चलिए गाइस, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले आपको आपका कोई ब्राउजर ओपन करना है, उस पर सर्च करना है cowin.government.in। आप देख पा रहे हैं मैंने स्क्रीन पर सर्च कर लिया, तो इसको ओपन होने देते हैं। उसके बाद गाइस आपको सिंपली रजिस्टर और साइन इन जो ऊपर ऑप्शन बना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अब आपसे गाइस आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, जो मोबाइल को आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। सिंपली आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं भी मेरा मोबाइल नंबर डालता हूँ। तो मैंने इसको ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गाइस। तो सिंपली इसके बाद में गाइस ये आपसे ओटीपी मांगेगा, तो मैंने ओटीपी भी ब्लर कर दी आपको आपके मोबाइल पे, देखिए मैं देख के रहा हूँ। और ये सिंपली कॉपी करके मैं यहाँ पे अब इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद गाइस ये आपसे नॉर्मली आप नीचे लिखा आ रहा है गाइस बुक योर स्लॉट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप एरो देख पा रहे हैं उस एरो जहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर आप सिंपली जाइए। उसके बाद यहाँ पे ऐड मेंबर पर क्लिक करिए गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं आपको आपके डिटेल्स फिलअप करने का एक फॉर्म आ गया है। इसके ऊपर आपको आपका फोटो आईडी कार्ड, कोई भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप आधार कार्ड लगा रहे तो आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ नंबर। उसके बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ पर डन करना है, तो आपका यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस सेकंड चीज़ की, आपका जो वेरिफिकेशन कार्ड है उसको आप वेरीफाई कैसे करें। तो सिंपली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है गाइस, वही वेबसाइट पे आपको ऊपर वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा होगा। उसके बाद गाइस आपको स्कैन क्यूआर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो ओपन हो गया गाइस। इसके अंदर आपको सिंपली आपका जो आपको दिया गया सर्टिफिकेट है उसके ऊपर का क्यूआर कोड स्कैन करना है, तो आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।